हर किसान का सच्चा साथी सोनालिका ट्रैक्टर, अधिकृत विक्रेता साक्षी ट्रैक्टर्स एंड मोटर्स, प्रोप्राइटर वीरेंद्र पूनम पटेल। हमारा पता है कृषि उपज मंडी के आगे खुरई रोड, सागर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के त्योंदा स्वास्थ्य केंद्र में एक महिला ने अनोखे बच्चे को जन्म दिया है। नवजात बिना हाथ और पैर का है। इलाके में इस अनोखे बच्चे के जन्म लेने की बात आग की तरह फैली तो लोग इसे चमत्कार से जोड़कर देखने लगे। फिलहाल मां और नवजात बच्चे की हालत स्थिर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घटेरा गांव की रहने वाली महिला मोहर बाई को त्योंदा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया था, जहां मंगलवार शाम उसने एक बच्चे को जन्म दिया जिसके दोनों पैर नहीं हैं और दोनों हाथ अविकसित होकर आधे आधे हैं। वहीं डॉक्टर नवजात बच्चे पर लगातार निगरानी रखे हुए हैं। फिलहाल नवजात बच्चे की हालत ठीक बताई जा रही है। इससे पहले भी विदिशा जिले के सिरोंज के सांकला गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया था जिसके ना तो हाथ थे और ना ही पैर। इसका जन्म सिर्फ सिर और धड़ के साथ हुआ था। खास बात यह है कि वह पूरी तरह स्वस्थ है और आम बच्चों की तरह खाती पीती और खेलती है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की ब्यूरो रिपोर्ट।